अब हम लर्न करेंगे कि पर्च कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। पर्च कमांड को हम अपने ड्राइंग से अननेसेसरी चीज को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी सारी लेयर्स हैं जो हम लोगों ने बनाई हुई हैं बट उनको यूज नहीं किया, या फिर हमारे पास ग्रुप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, टेबल हैं, मल्टी लाइन स्टाइल है, काफ़ी सारे स्टाइल हमारे पास हो सकते हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं बट हम लोगों ने यूज नहीं किए हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टी में चलते हैं और हम यहाँ पे कुछ न्यू लेयर्स बना लेते हैं। ये हम लोगों ने 25 लेयर्स हम लोगों ने ड्रॉ कर ली हैं, देन क्लोज दिस वन, और ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। वी नो वेरी वेल कि इन 25 लेयर्स में हम लोगों ने एक भी लेयर्स यहाँ पे यूज नहीं की है। एंड सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लेयर वन को यूज कर लेता हूँ, लेयर वन मैंने सेलेक्ट की और मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि लेयर वन तो मैंने यूज की, बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं वो हम लोगों ने कहीं पे भी यूज नहीं की है। तो पर्ज क्या कमांड क्या करेगी, इन अननेसेसरी लेयर्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगी। मैं यहाँ पे पर्ज कमांड लेता हूँ, पर्ज एंटर, इतने सारे आइटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे, आप लोगों ने ब्लॉक हैं, डिटेल व्यू स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, ग्रुप लेयर्स, लाइन टाइप, मटेरियल, इतने सारे हमारे पास आइटम्स हैं जो कि फिल्टर आउट करके जो अननेसेसरी आइटम्स हैं हमारे पास उन सबको डिलीट कर देगी। मैं पर्ज ऑल करता हूँ, पर्ज ऑल आइटम्स एंड देन क्लोज। अब यहाँ पे जितनी भी हमारे पास अननेसेसरी लेयर्स थी वो सब डिलीट हो चुकी है, लाइक दिस वन। अब हमारे पास सिर्फ लेयर वन अवेलेबल है, बाकी की जो लेयर टू से लेके लेयर 25 तक सारी की सारी लेयर्स हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हमारे फाइल का साइज, जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो उसका साइज हमारा मिनिमम रहे। तो इस तरह से हम पर्ज कमांड का यूज कर सकते हैं।